Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing our electricity lecture number 4, and this is our last session of the chapter. So aaj ke session mein, as you know, we are going to discuss the last two topics, that is heating effect of electric current and electric power. So ye to topics jo hamare pichle session se bache hain, bas ye dono cover karenge, and today we are going to complete the chapter. So before starting, make sure to hit the like button, share with your friends and subscribe करो चैनल को right away. So as you know, आज हम लोग heating effect और electric power करने वाले हैं. Okay. So before starting, as you know, हमने पिछले sessions में क्या पढ़ा? We have studied what is electric current, circuits, what is potential, potential difference, Ohm's law क्या होता है? V is equals to I R. Resistance क्या होता है? Series और parallel. Series में resistance की value होती है R1 plus R2 and keeps on going. और parallel में आपकी होती है 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 and keeps on going. So you know कि हमने क्या क्या पढ़ा है, right? Today हम लोग पढ़ने वाले हैं heating effect. इलेक्ट्रिक करंट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हीटिंग प्रोड्यूस होती है. यू माइट हैव सीन कि कभी अब देखो, जैसे यू मे यूज़ योर फ़ोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आपका फ़ोन गर्म हो जाता है, राइट? इफ़ यू टच अ हॉट बल्ब, वो बल्ब को मतलब बहुत टाइम तक चल रही है तो उसको हाथ लगाओ गर्म लगता है, राइट? नाउ व्हाई इज़ दैट बिकॉज ऑफ? सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन याद रखो, बिकॉज दैट इज़ एन एग्जाम क्वेश्चन. When an electric current passes through a conductor, it gets heated due to the collisions of electrons and producing the heating effect. Chalo, before understanding, let's take an easy example, like activity karte. You know ki agar aap apne dono palms lo, dono ko rub karo. Rub karo ke what will happen? Bahut zor se rub karo, bahut zor se karo, kya hoga? Warm. हीट प्रोड्यू, क्या आपके हाथ में हीटर है? नहीं, फिर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है. सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब अब क्या हो रहा है, करंट पास होएगा ना, करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो ये जब मूव करेंगे आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, देयर विल बी कोलिशंस, और जैसे ये टकराएंगे हीट प्रोड्यूस होगा. And this heat is visible, क्यों? Because बहुत सारे electrons, it is a very high quantity, बहुत सारे amount of electrons collide with each other, और इस वजह से इतना सारा heating produce होते हैं. For example, this is a electric coil. Coil में देखो क्या ये conducting है ना, एक conducting है. अब क्या हो रहा है, इसके जब current जाते हैं पूरा orangeish हो रहा है, means it is getting heated, है ना, heat हो रही. सो दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स. तो आपने जूल पहले भी पढ़ा है, करेक्ट? यू हैव स्टडीड जूल्स, है ना, किलो जूल, नाइन्थ ग्रेड में पढ़ा, अभी भी पढ़ा आपने वर्क के उसके लिए, है ना. सो जूल ने क्या बोला था? जूल ने ही गेव द लॉ ऑफ हीटिंग. उन्होंने हीटिंग का एक लॉ बनाया. उन्होंने बोला कि व्हेन अ करंट आए, आए अमाउंट का करंट जब पास करेगा एक कंडक्टर के थ्रू जिसका रेजिस्टेंस आर है फॉर अ टाइम टी, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टी के लिए, सो द हीट डेवलप्ड इन द कंडक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, द रेजिस्टेंस एंड टाइम. मतलब इन शॉर्ट उन्होंने बोला कि जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो हीट हम बोलेंगे हीट इज एच, जो हीट प्रोड्यूस होगी, करेक्ट, देर आर टू वेज टू गेट द इक्वेशन, आई टेल यू बोथ द वेज. पहला वे है कि उन्होंने बोला था कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन. सो कंबाइनिंग क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी, है ना, और हम लोग एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे, एच इज इक्वल्स टू के आई स्क्वायर आर टी, और के की वैल्यू इज 1. सो देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ये बन जाता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला, ठीक है. देयर इज वन मोर मेथड
एक और वे होते हैं, वी नो, हमको क्या पता है, हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस वी। पोटेंशियल डिफरेंस वी इज नथिंग बट वर्क अपॉन चार्ज। अब हम बोलते हैं हीट, हीट क्या है, जूल्स, जूल्स क्या है, वर्क। तो कैन आई से दैट एच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू? हाँ, हीट इज नथिंग बट इक्वल्स टू वर्क। अब वर्क का क्या फॉर्मूला है, इसको इधर ले जाओगे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी क्यू, है ना, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी क्यू। दैट मीन्स अगर हम सबको डिवाइड कर देते हैं बाय टाइम, ठीक है, सबको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वी इंटू क्यू बाई टी इंटू टाइम। हम सबको टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, टी टी तो गया, है ना, टी टी गया, तो ये क्या बन जाएगा, एच इज इक्वल्स टू वी क्यू। वी क्यू मतलब क्यू इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू क्या होगा, सो क्यू विल बी इक्वल्स टू आई टी। सो दिस फार्मूला इज ऑल्सो यूज इन सम प्लेसेस। हम इसको और एक्सपैंड करेंगे तो ये फार्मूला भी बहुत जगह पे यूज होता है। अब एच इज इक्वल्स टू वी आई टी मिला, ठीक है। अब ओम्स लॉ से वी की वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम ओम्स लॉ वी की वैल्यू इज आई आर, है ना, इंटू आई इंटू टी, तो ये क्या बन जाता है, दैट गिव्स यू आई स्क्वेर आर टी। सो ये आपका बन जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो एनी विच वेज यू डू, आपको आई स्क्वायर आर टी ही आना है। ये मेथड से करो या उससे करो, जिससे करो कि सेम आंसर आएगा, राइट। सो वन सेकेंड, हाँ दोनों से सेम आंसर ही आएगा, आई स्क्वायर आर टी। सो यू कैन प्रेफर एनी मेथड। ऑल्सो रिमेंबर कि आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है, बट वी आई टी इज ऑल्सो वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एंड परसिस्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हीटिंग इफेक्ट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ना, डेली लाइफ्स। इन डेली लाइफ वी यूज इट मोस्टली इन मैनी प्लेसेस। इलेक्ट्रिकल आपके बल्ब्स हो गए, आपके फ्यूजेस हो गए, जो आपके सिलेबस में दिए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी इवन यूज इट इन इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, एंड सब में हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है। ओके, सो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज़ की। इफ़ यू हैव एवर सीन अ बल्ब, ऐसी वाली बल्ब आई एम टॉकिंग अबाउट, सो दिस बल्ब हैव कॉइल्ड फिलामेंट, ये दिख रही है। अगर इसको मैग्निफाई करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, दैट ऐसा कुछ दिखता ही है। सो दिस इज नथिंग बट योर कॉइल, और ये पूरे चीज को हम बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अब ये फिलामेंट किससे बना होता है, फिलामेंट इज मेड अप ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज नथिंग बट योर टंगस्टन। टंगस्टन इज नोन एज डब्ल्यू, ठीक है। तो ये टंगस्टन की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंट बल्ब भी बोला जाता है इनको, क्यों। नाउ व्हाट हैपेंस, हमने पढ़ा, वी स्टडीड दैट, व्हाट वी स्टडीड, हमने पढ़ा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इफ यू रिमेंबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट। अगर लेंथ ज़्यादा, तो अब यह क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि वाई इज द फिलामेंट कॉइल्ड, कॉइल क्यों। अब देखो, लेट अस से आई हैव टू वायर, एक ये वायर है ए बी और एक दूसरी कॉइल्ड वायर है, ठीक है, कॉइल्ड वायर है ए डैश बी डैश, ठीक है। दोनों अभी तो सेम लेंथ की दिख रही है ना, इसको हम खींचेंगे भी तो भी सेम ही लेंथ रहेगा, बट इफ आई स्ट्रेच दिस तो ये लंबी हो जाएगी, ये तो उतनी रहेगी, बट दिस बिकम्स मोर लॉन्गर, ए डैश बी डैश लंबी हो जाएगी। अब ये यू कैन टेक अ स्प्रिंग ऑल्सो, एक स्प्रिंग लो और उसको खींचो, वो लंबा हो जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स इंक्रीज है, लेंथ बढ़ गई है। इफ द लेंथ इंक्रीज है, सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना क्यों है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ही तो हमको ज़्यादा हीट मिलेगी। आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। तो अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब हीट क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस करें, सो हीट प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज टंगस्टन जैसे मेटल्स, मेटल लाइक टंगस्टन जिनके पास इनकैंडेसेंस प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू दैट जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वो लाइट देंगे, वो मेल्ट के पानी नहीं हो जाएंगे, दे विल गिव यू लाइट। उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, तो इस वजह से वो हीट के, हीट जैसे उनको बहुत मिल गए एक पॉइंट पे, दे गिव यू लाइट। तो दैट्स हाउ यू गेट अ लाइट इन योर इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है।
नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ फ्यूज. फ्यूज क्या होती है, एक थिन वायर होती है, ऐसा ऐसा दिखता है फ्यूज, उसके बीच में एक थिन ऐसे वायर होती है, वो एलुमिनियम कॉपर लेड इन सबके एलॉय से बनी होती है. अब क्या होता है, हम लोग अपने करंट के बीच में लगाते हैं. अगर बहुत हाई करंट पास हो गया, फॉर एग्जाम्पल लेट से 5 वोल्ट का ही है, तो अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वायर मेल्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, घर का सारी लाइट गई. ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड फैशन है, बट इट इज़ एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय MCBs, दैट इज़ योर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हम लोग आजकल यूज़ करते हैं ना एवरीडे होम. अगर आपके घर पे वो है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है ना, सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई का बोर्ड है, उसको खोल के देखोगे सो यू विल बी एबल टू सी द वेरी डिफरेंट स्विचेस. किसी के घर पे आजकल ये फ्यूज़ होता नहीं है मोस्टली. द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिकल पावर. नाउ क्या है इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर, इसका डेफिनेशन तो एक है बट इसके फॉर्मूले बहुत सारे. हाउ? आई टेल यू. इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेटेड. डेसिपेटेड मतलब चली गई, कंज्यूम कर गए हमने दैट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट. दैट इज योर इलेक्ट्रिक पावर. कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, दैट इज इट. ना हमको पता है, ना वी आर गोइंग टू, एक ही फॉर्मूला है बट इस फॉर्मूला के बहुत अलग अलग टाइप्स बनते हैं और अलग अलग टाइप्स का आपको याद रखना है. अब देखो, पावर इज नथिंग अपॉन बट वर्क बाय टाइम. हमने पढ़ा है, कभी पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है इन ग्रेड 9, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम. वर्क इज नथिंग बट एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं टी. हमको पता है वर्क इज नथिंग बट डब्ल्यू बाई क्यू. सो डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू इज नथिंग बट वी बाई क्यू, है ना. तो रिप्लेस करो, सो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह हम लिखेंगे वी क्यू बाई टी. अरे वाह, अब क्या हमको एक और फॉर्मूला पता है कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना. तो I तो है नहीं पर Q बाई टी तो है, तो क्या आई विल राइट दिस एज P इज इक्वल्स टू वी आई. ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है. आई विल बॉक्स की कौन से फार्मूलाज एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, सो P इज इक्वल्स टू वी आई. अब इसको और सिंप्लीफाई करो, हमको पता है कि क्या पता हमको, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, करेक्ट. सो कैन आई राइट दिस P एज I इंटू आई आर, सो दैट बिकम्स I स्क्वायर आर. सो P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर. दूसरा फॉर्मूला, अब हमको पता है I इज नथिंग बट V बाय R, ये भी पता है ना. तो कैन आई राइट दिस एज P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, है ना. आई कैन राइट दिस. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स. एक फार्मूला के बहुत सारे फार्मूले हैं, राइट. सो ये तीन फॉर्म, P इक्वल्स टू वी आई, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले. SI यूनिट अगर पूछो तो SI यूनिट एज यू नो 9th ग्रेड में पढ़ा है, दैट इज योर वॉट्स, है ना. वॉट है इसका पावर, ठीक है. वॉट, वॉट, ऑल राइट. अब एक टॉपिक आता है, वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज़ अ कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इसमें क्या आपको एक कन्वर्जन याद रखना है, 1 kWh. आपके घर में जैसे बहुत पूरा दिन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हो, सो हम लोग वॉट्स में नहीं करते, किलो वॉट में भी नहीं करते, किलो वॉट आर्स में करते हैं. दैट इज़ अ वेरी बिगर यूनिट. सो दैट इज़ नथिंग बट 1000 वॉट्स. 1000 वॉट 1 kW होता है, ठीक है. इन टू 1 hour मतलब 3600 seconds. सो दिस बिकम्स 3.6 इंटू 10^6 वॉट पर सेकेंड, और दैट इज नथिंग बट 3.6 इंटू 10^6 जूल्स. सो यू कैन रिमेंबर दिस कन्वर्जन, ऑल राइट. एंड विद दिस हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट. सो नाउ वी आर गोना डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. ओके, सो let us do the numericals. First numerical, in an electric iron consumes energy at a rate of 840 volt. Energy consume kar rahi, energy ka formula if you don't remember leave it. Watt de diya unhone, watt matlab kya, obviously power hoga, hai na. Power aur kuch to hota nahi hai, watt, hai na. So let us say our power 1 is equals to 840 watts. Okay, when heating is at the maximum rate,
ठीक है, ये है आपका मैक्सिमम के लिए, ओके दैट इज 840। और जब मिनिमम रेट P2 कितना है, 360 वॉट है, ओके दिस इज योर मिनिमम। दी वोल्टेज इज गिवन एज 220 वोल्ट। वॉट आर दी करेंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केसेस? ठीक है, क्वाइट ईजी टू डू। वी नो हमको कुछ कुछ चीज़ें पता है। लेट्स से हम लोग दो डिवाइड करते हैं पेज को, आई डिवाइडेड लाइक दिस। हाँ ओके, यहाँ पे हम P1 का करेंगे, यहाँ पे हम P2 का करेंगे। ठीक है, P1 इज वॉट? P1 इज आर 840 वॉट। हमको पता है पावर इज इक्वल्स टू वॉट? पावर इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला है? लेट्स से पावर इज इक्वल्स टू VI, करेक्ट? पावर इज इक्वल्स टू VI। पावर क्या है? 840 इज इक्वल्स टू 220 इंटू I। सो I की वैल्यू क्या होगी? I विल बी नथिंग बट 840 डिवाइडेड बाई 220। 0 0 गया, 22 एंड 22 बाय दैट दैट विल गिव यू 3.8 एम्फियर्स। ठीक है, ये आपका बन गया क्या? करंट बन गया। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ढूंढ लो। वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, है ना? R इज इक्वल्स टू V बाय I, है ना? V बाय I ये क्या हो जाएगा? 57.6 ओम्स हो जाएगा आई गेस। हाँ, 57.6 ओम्स। ठीक है, नाउ P2 असिमिलर हम करेंगे। पावर इज 360 वॉट्स इक्वल्स टू 220 इंटू I। सो I विल बी 360 डिवाइडेड बाई 220। 0 0 गया, 2 के टेबल से काटो 36 और 1.64। हाँ, 1.64 एम्फियर्स विल बी योर आंसर। सिमिलरली R इज इक्वल्स टू V बाई I। सो वोल्टेज है 220 डिवाइडेड बाई 1.64। ठीक है, यू कैन डू बाई डिविजन, नॉर्मल फिर पॉइंट डाल दो तो आ जाएगा कुछ 134.15 ओम्स आ जाएगा योर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड। ओके, हीट दिया गया 100 जूल्स, ओके, ईच सेकेंड, टाइम इज 1 सेकेंड, इन अ 4 ओम रेजिस्टर। 4 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। वाह, वी नो एच इज इक्वल्स टू I² RT, है ना? अरे वाह, आई तो है ही नहीं। ओके, एक और फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल्स टू VIT। हाँ, ये यूज कर सकते हैं। एच इज इक्वल्स टू VIT। एच क्या है? 100 है ना? एच इज इक्वल्स टू 100। फिर वोल्टेज कितना है? वोल्टेज हमको ढूंढना है इन टू आई और टी। आई, अच्छा आई नहीं पता, ओके तो वॉट विल वी यूज देन? आर 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 एच। हाँ ठीक है, लेट्स डू दी अदर वे राउंड। हमको पता है एच इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू I² RT, है ना? तो पहले हम आई को ढूंढते हैं फिर। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आई। सो आई विल बी क्या? आई को इधर पूरा ले जाओगे तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, एच अपॉन आर टी का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 100 अपॉन 4 ओम्स इन टू 1 सेकेंड, सो 4 का होल रूट, है ना? 100 और 4 का, 100 का क्या होगा? 100 का इज 10, 10 बाई 2 दैट इज 5 एम्फियर्स। अरे वाह, ठीक है, तो इजी था। करंट हमको मिल गया 5 एम्पियर्स। नाउ यूज पोटेंशियल डिफरेंस। वी इज इक्वल्स टू IR। आई क्या है? 5, आर है 4, इन टू करो यू विल गेट एस 20 वॉट। सो 20 वोल्ट्स इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करेंट इज 0.50 एम्फियर्स, वॉट इज द पावर? ओके, सुपर ईजी। हमने अभी आई गेस जस्ट फ्यू सेकेंड्स अगो पढ़ा था, लेट मी शो यू दैट एज वेल। पावर के हमने फॉर्मूले पढ़े थे, राइट? वॉट इज द पावर फॉर्मूला? पावर इज इक्वल्स टू VI, करेक्ट? पावर इज इक्वल्स टू वॉट? VI हमने पढ़ा अभी। सो वी नो पावर इज इक्वल्स टू VI। सो पावर क्या होगा?
220 इंटू 0.5 मतलब 10/5 10/5 गया, 22 इंटू 5 करोगे दैट इज 110 वॉट्स। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, अब ये देखो, एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर इज रेटेड, ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में भी आता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इज रेटेड एट, पावर दी गई है एस 400 वॉट्स, ऑपरेट्स 8 आवर एवरी डे, टाइम दिया गया उनको 8 आवर्स पर डे। ठीक है, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट द प्राइस, प्राइस कितना है 3 रुपया पर किलोवाट आर। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पहले किलोवाट आर ढूंढो, वैल्यू पूरी किलोवाट आर में करो, उसके बाद फिर यू विल फाइंड द वैल्यू। अब देखो, हाउ विल वी फाइंड टोटल एनर्जी जो रेफ्रिजरेटर कंज्यूम करेगा इन 30 डेज विल बी वॉट, हम लोग क्या करेंगे, पावर पावर मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम कंज्यूम होगा और इनटू द नंबर ऑफ डेज करेंगे। ठीक है, दैट मींस 400 इनटू 8 घंटे इनटू 30 दिन, दैट विल गिव यू समवेयर अराउंड 96,000 वॉट आर, क्योंकि आर भी आ रहा है ना इधर, ये आर्स है, डिवाइड बाय 1000 करो तो आएगा 96 किलो वॉट आर, हमको किलो वॉट आर में आंसर ढूंढना है, राइट। अब उन्होंने बोला है क्या, प्राइस इज गिवन टू अस ₹3, प्राइस इज ₹3, सो 96 इंटू 3 करो, 6 3s are 18, 9 3s are 27 plus 1 28, सो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ दिस इज ₹288। ओके, दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस। हमेशा याद रखना, पावर इनटू आपका कितने घंटे है आवर्स इनटू द डेज, बाय यूजिंग दिस यू विल गेट योर आंसर, पावर इनटू आवर इनटू डेज विल गिव यू द फाइनल आंसर। एंड विद दिस वी कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ अ सेशन, सो विद दिस आपका चैप्टर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है। आई एम गोइंग टू सी इफ वी नीड अनदर लेक्चर फॉर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इफ नॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी सीइंग यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड, एंड फिर मिलेंगे चलते चलते, गुड बाय।